हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। 10 बड़ी हेडलाइंस के साथ मैं शुभांगी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए सुपर स्पीड से शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 1, KGF 2 टीजर में स्मोकिंग सीन पर यश को आया लीगल नोटिस, कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने की हटाने की मांग। जी हाँ, KGF 2 फिल्म के टीजर में यश पर फिल्माए गए स्मोकिंग सीन को देखने के बाद कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने यश के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है। टीजर में दिखाए गए एक सीन में यश मशीन गन के लाल गरम बैरल से सिगरेट जलाते दिखाई देते हैं। इसी सीन को लेकर जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि टीजर और पोस्टर दोनों ही सिगरेट पीने को इनकरेज करते हैं। हालांकि इस टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की अपील भी की गई है। नोटिस के मुताबिक अगर इस तरह की चीजें टीजर और पोस्टर में दिखाई जाती हैं, तो ऐसे में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इस तरह की वार्निंग को डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। लेकिन ना तो KGF चैप्टर 2 के टीजर और ना ही पोस्टर में ऐसा कोई मैसेज डिस्प्ले किया गया। नंबर 2, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो कंगना ने अपनी इस फिल्म के सीक्वल और रियल लाइफ विमेन हीरोज की फ्रेंचाइज को आगे ले जाने की तैयारी शुरू की है। गुरुवार को कंगना ने अपनी मणिकर्णिका फ्रेंचाइज के सीक्वल की अनाउंसमेंट की है, जिसका टाइटल मणिकर्णिका रिटर्न द लेजेंड्स ऑफ दिद्दा है। बताया जा रहा है कि कंगना की ये फिल्म पहले की तुलना में और भी बड़ी और बेहतर होगी। फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी दिद्दा के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जो कश्मीर की रानी थी और उन्होंने महमूद गजनवी को 2 बार युद्ध में हराया था। नंबर 3, सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का दूसरा सीजन भी जल्द लेकर आएंगे फिल्मेकर आलिया बा जफर। जी हाँ, आलिया बा जफर अपनी डेब्यू वेब सीरीज तांडव की रिलीज के इंतजार में है। ये सीरीज अमेजन प्राइम पर 15 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस सीरीज में सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया जैसे कई स्टार्स नजर आएंगे। ये सीरीज राजनीति और सत्ता पर बेस्ड है, मगर अब ताजा रिपोर्ट यह है कि आलिया बा जफर इस सीजन के दूसरे एपिसोड की भी तैयारी कर रहे हैं। अली उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के दूसरे सीजन की शूटिंग वो जल्द ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का उड़ाया था कॉमेडियन ने मजाक, ट्रोल होने पर अब फैंस से मांगी माफी। मुंबई के स्टैंड अप कॉमेडियन डेनियल फर्नांडिस को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक बनाना भारी पड़ा। डेनियल ने हाल ही में अपने एक एक्ट में दिवंगत एक्टर सुशांत की मौत का मजाक बनाया था, जिसकी कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। इसके बाद से ही सुशांत के फैंस डेनियल को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनकी काफी आलोचना भी कर रहे हैं। ट्रोल होने पर अब डेनियल ने एक नोट शेयर कर सुशांत के फैंस से माफी मांगी है। डेनियल की जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत और रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों पर जोक सुनाते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने आर माधवन पर लगाया तनु वेड्स मनु फिल्म से हटाने का आरोप। जी हां, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने कहा है कि उन्हें तनु वेड्स मनु फिल्म से हटा दिया गया था और उनकी जगह फिर कंगना रनौत को ले लिया गया। दरअसल नीतू ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो तनु वेड्स मनु साइन कर चुकी थी, लेकिन फिर आर माधवन की सिफारिश पर कंगना को फिल्म में लिया गया और उन्हें बाहर होना पड़ा। आपको बता दें कि नीतू ट्रैफिक सिग्नल, गरम मसाला और ओए लकी लकी ओए जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। नंबर 6, 10 दिन बाद 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे वरुण धवन और नताशा दलाल। अगर ताजा रिपोर्ट्स की माने तो वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की नई डेट सामने आ चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि वरुण आने वाली 24 जनवरी को नताशा के साथ सात फेरे लेंगे। वरुण और नताशा की शादी मुंबई के पास अलीबाग में होगी, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं और जल्द ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां अलीबाग की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी। नंबर 7, मिर्जापुर 3 पर एक्टर आलिया बा जफर ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, फैंस बेसब्री से अब मिर्जापुर के तीसरे सीजन का वेट कर रहे हैं और हाल ही में गुड्डू भैया यानी अली फजल ने इस पर बड़ा खुलासा किया। एक इंटरव्यू में मिर्जापुर 3 पर बात करते हुए अली ने कहा, अभी तक मिर्जापुर 3 के बारे में बोलने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने स्क्रिप्ट तक नहीं सुनी है। तीसरे सीजन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल तीसरे सीजन के रिलीज होने की कोई उम्मीद है। ये साल 2022 में रिलीज होगा। नंबर 8, कोरोना के दौर में पहली बंपर ओपनिंग वाली फिल्म बनी मास्टर, पहले दिन वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ से ज्यादा कमाए। जी हां, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय और विजय सेतुपति स्टारा एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टर को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। कोरोना काल में पूरे भारत में ये पहली फिल्म है जिसे इतनी बम्पर ओपनिंग मिली। लोकेश कनकराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बुधवार को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में रिलीज हुई थी और इसका हिंदी वर्जन आज थिएटर्स में रिलीज हुआ है। नंबर 9, 15 जनवरी को मुहूर्त पूजा के साथ शुरू होगी प्रभास स्टारर फिल्म सलार की शूटिंग। जी हां, जब से KGF फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी एक्शन फिल्म सलार की अनाउंसमेंट की है, उसके लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है।
प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में बाहुबली प्रभास को एक इंटेंस और एक्शन पैक रोल निभाते हुए देखा जाएगा। और ताजा खबर सामने आ रही है कि सलार जनवरी के लास्ट वीक के दौरान फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है और मेकर्स इस महीने के 15 तारीख को सुबह 11 बजे इसकी मुहूर्त पूजा करेंगे। हैदराबाद में होने वाले मुहूर्त में सलार की पूरी टीम शामिल होगी। और आपको बता दें कि मुहूर्त में इनवाइटेड स्पेशल गेस्ट में डॉक्टर अश्वथ नारायण CN कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और फिल्म निर्माता SS राजामौली और एक्टर यश और बाकी स्टार्स और तो और क्रू मेंबर्स इस पूजा मुहूर्त में शामिल होंगे। नंबर 10, मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए ऋचा चड्ढा को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। जी हां, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपनी अपकमिंग फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर में एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी का रोल निभाते नजर आएंगी और कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। इसके बाद से ही जहां ऋचा चड्ढा को तारीफ मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस बारे में ऋचा ने इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा, मुश्किलें तो अभी शुरू हुई है। कई लोगों को ये भ्रम है कि ये फिल्म किसी रियल लीडर पर बनाई गई है। कई लोग नापसंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आलोचना भी हो रही है। कई लोग हमें सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं कि हम उनके लीडर को ऐसे कैसे दिखा सकते हैं, जबकि हमारा तो ये मानना है कि हमने ये एक काल्पनिक कहानी बनाई है जो किसी भी रियल पॉलिटिकल पर्सनालिटी पर आधारित नहीं है। हमें पता है कि अभी काफी क्रिटिसिज्म होगा और कहीं ना कहीं इस तरह का विरोध अब इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।